तो ये मेहनत के प्रतीक है, ये संघर्ष के प्रतीक है। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बहुत आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे बीच में हमारे आदमपुर से विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और होने वाले आदमपुर से विधायक, एक संघर्ष के प्रतीक, संघर्ष और हरियाणा की राजनीति में लोगों के लिए तपस्या के प्रतीक। जब मैं पहली बार लोकसभा में गया था, लोकसभा में पहुंचा लोगों के आशीर्वाद से, 2005 में अवसर मिला मुझे। अब तो मुझे भी देश की संसद में 18-19 साल का सफ़र हो गया, शायद 43-44 की आयु में इतना आशीर्वाद शायद देश में किसी को ना भी मिला हो। लोगों ने बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जब मैं पहली बार गया था तो मैं देखता था उस लोकसभा की, मुझे याद आती है, मैं देखता था कि हर रोज़ जब भी सदन बैठता था, अगर कोई एक सांसद पूरे देश में, हरियाणा की बात नहीं करता, हर रोज़ किसी ना किसी मोशन के तहत या किसी ना किसी रूल के तहत एक सांसद हर रोज़ आवाज़ उठाता था देश के लोगों के, तो उस सांसद का नाम जयप्रकाश था, मैं देखता था। और उसके बाद सदन से वापस आके अगले दिन मैं अखबार पढ़ता था तो खबर आती थी कि वह आज तो हिसार के उस कोने में ये प्रोग्राम करते हुए जयप्रकाश जी ने ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, किसी सुख में गए, दुख में गए, कहीं किसी विकास कार्य का फाउंडेशन रखा। और अगले दिन सुबह जब दिल्ली में मैं मिलता था, मैं पूछता था एम पी साहब क्या कर रहे हो, और वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं पहली बार गया था, नया नया था, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं जैसे, तो जो है वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती थी। और मैं कहता था कि भाई आप जितनी मेहनत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरा भी मन यही है कि भाई मैं, मेरे को रोहतक के लोगों ने मौका दिया, मैं भी दिन रात मेहनत करके और जो है लोगों के बीच में अपना प्रयास करूँ। तो ये मेहनत के प्रतीक हैं, ये संघर्ष के प्रतीक हैं। सही कहा कि एक आम परिवार से निकल के इस प्रकार से इतने संघर्ष और इतनी साजिशों के बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत सारी षड्यंत्र हैं, बड़ी बड़ी ताकतें इनके पीछे लगी रहती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो जगह बनाई है उसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है, कोई अंदाज़ा ले निकाले इस बात से कि जब इनका नाम पुकारा गया और ये यहाँ पे मंच पे स्टेज पे आए माइक में, तो मैं देख रहा था आप सबके चेहरों पे मुस्कान थी, आप सबके चेहरों पे अपनापन था, और इनके चेहरे पे भी मुस्कान थी, अपनापन। और जितने कैंडिडेट हैं आप उन कैंडिडेट से तुलना कर लो, ये जो कमाई है ये कमाई ये जीवन के संघर्ष की कमाई है। तो हमें विश्वास है कि यहाँ से जीतेंगे। मंच पे उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हो और सारी राजनीतिक बात मुझसे पहले हो चुकी है, विस्तार से हो चुकी है। मैं विस्तार से कोई राजनीतिक बात नहीं, दो तीन बातें जरूर मैं कहूँगा, लेकिन विस्तार से राजनीतिक बात नहीं, मैं तो चुनाव से संबंधित कुछ अपने सुझाव आपको, पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है आदमपुर का, और बाकी भी जो ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, आप सबसे मैं दो तीन बातें पहले चुनाव को लेकर कहना चाहता हूँ। ये चुनाव, ये सही है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की नज़र है, हरियाणा की नज़र है, हरियाणा ये आदमपुर में भी बदलाव लाएगा और ये हरियाणा में बदलाव लाएगा, तय है ये बात। और वो तय इसीलिए है, आप किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई किसी पार्टी का समर्थकों से आके पूछ लो, आप आदमपुर में चले जाना, अभी मंडी में घूमना, किसी से बात पूछ लो, प्रेस वाले साथी हैं, कोई अगर कैमरा लगाएगा तो कोई बीजेपी का समर्थक है तो बीजेपी की बात करेगा,
लेकिन किसी से पूछ लो बात यही कहेगा भाई इस बार तो बदलाव ऐसा लगता बदलाव होगा इस बार। तो जब लोगों की जो आवाज होती है पार जाती है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, लोग आदमपुर में भी बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में ये सरकार, ऐसी सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 8.5 साल जिस सरकार को हो गए, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया, बेरोजगारी में नंबर एक, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास ठप हो गया, गांव से लेकर शहर तक, किसी गांव में किसी शहर में कोई बड़ी परियोजना छोटी परियोजना विकास की जो चमक होती थी हरियाणा में, देश में विकास में हम नंबर एक थे, आज विकास चौपट हो गया, बेरोजगारी में नंबर एक, ना निवेश हुआ ना सरकारी रोजगार मिला हरियाणा के नौजवान को, के भविष्य को चौपट कर दिया। किसान, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान पे अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन हुआ पूरा देश, पूरे देश में 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन किसी और प्रदेश में किसान पे ना लाठीचार्ज हुआ, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना पानी की बुछारों के निशाने पे इस किसान को लिया गया, अगर अत्याचार हुआ और किसान का मजाक बनाया गया, किसान की कुर्बानी का मजाक बनाया गया तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आज हर वर्ग, गरीब मध्यम वर्ग, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 400 सिलेंडर 1000 पार, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सब्जी से लेकर किसी भी जो है आम घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज, कल कोई मेरे को बता रहा था, मैं सब्जियों के वो ढूंढ रहा था, कह रहे थे भाई लौकी का चेक करना, लौकी का क्या क्या भाव चल रहा है बता देंगे आपको, 80 रुपए, और बालक घनी सी खुश होके भी नहीं खाया करते, कुछ बचा ही नहीं। महंगाई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, त्रस्त है बीजेपी जेजेपी की सरकार से, बदलाव चाहते हैं हरियाणा के लोग, बदलाव चाहते हैं, आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा, इनको बदलाव चाहते हैं, और ऐसे ही आदमपुर के लोग भी बदलाव चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे यहां उनकी जिस तरह की कार्यशैली रही कुलदीप बिश्नोई जी की, उससे लोगों के हाथ में केवल निराशा लगी। सही कह रहे हैं, 6 महीने हो गए इनको बीजेपी से बात करते, बल्कि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कहा, सही कहा कि 1 साल से बहुत से काम पहले ही फैसले हो चुके थे, बहुत से काम करा सकते थे, चार पाँच महीने तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दी थी तब से हो गए थे, अगर लोगों के काम करने होते तो इन 4-5 महीनों में कितना कुछ करा सकते थे, कितने नए स्कूल बनवा सकते थे, कितने स्कूल अपग्रेड करा सकते थे, 4-5 महीने छोड़ो, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 दिन में स्कूल अपग्रेड कराना था, 4 दिन की जरूरत नहीं थी, 4 घंटे के अंदर नोट निकल जाते थे स्कूलों के अपग्रेड, तो कितने स्कूल बनवा सकते थे। यहाँ पे शिक्षक ही नहीं लेके आ पाए, स्कूलों की लड़ाई, बच्चों को 4 महीने से बच्चों को यहाँ पे धरने देने पड़े कि भाई अपने नए स्कूल के लिए नहीं, मुझे दुख है इस बात का, नए स्कूल के लिए नहीं, जो था स्कूल उसको बचाने के लिए, जो शिक्षक थे उनको बचाने के लिए, और कैसी बीजेपी की सरकार है उनको भी पता था चुनाव है, कम से कम इलेक्शन के लिए तो कर देते हैं, कम से कम इलेक्शन के बाद तो क्या लोग आप अंदाजा लगा सकते हो, नहीं, मगर लोगों के काम कराने के लिए नहीं। आदमपुर मंडी के अंदर कितना बुरा हाल है, आदमपुर गांव के अंदर कितना बुरा हाल है, गांव की सड़कों का क्या बुरा हाल है, हम सोचते थे क्योंकि हम भी चुप थे, उन्होंने और राज्यसभा में वोट दी थी जब से कुलदीप जी ने, तब से हमें पता था चुनाव तो है, लगातार कार्यक्रम हो रहे थे, हम सोचते थे कि भाई इलेक्शन से पहले ये तो करा लेंगे, क्योंकि हमने भी उपचुनाव देखे हैं, बाई इलेक्शन देखे हैं, और ये बाई इलेक्शन में पूरी सरकार लग जाती है युद्ध स्तर पे, जैसे वॉर सिचुएशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध स्तर पे काम होते हैं विकास कार्य, हर गांव के अंदर विकास कार्यों की नजर आते हैं जब जहां पे उपचुनाव हो, ये पहला चुनाव है, ये भी रिकॉर्ड बन गया, ये पहला उपचुनाव है, ना तो सरकार को परवाह और ना जो बीजेपी की टिकट लेके यहाँ पे जो आए हुए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, ना उनको परवाह, लोगों की परवाह नहीं है, यहाँ के विकास कार्यों की परवाह नहीं है, अपने स्वार्थ की वजह से
ये बीजेपी में गए हैं, और ये मैं समझता हूं कि हम ही नहीं बोल रहे, इनके सबसे जो कट्टर समर्थक हैं उनसे भी पूछ लो, उनकी भी आत्मा यही कहेगी भाई अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, लोगों के लिए नहीं गए। तो ऐसे में बदलाव, ऐसे में राजनीतिक राजनीति नैतिकता अनैतिकता में के बीच में चुनाव, क्या राजनीति की नैतिकता रह जाएगी? इस बात का चुनाव है, बदलाव हरियाणा में बदलाव। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो? बीजेपी जेजेपी की सरकार से छुटकारा चाहते हो? हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहते हो? तो भाई, और आदमपुर में घमंड तोड़ना चाहते हो? आदमपुर को जिताना चाहते हो? तो घमंड भी टूटेगा, बदलाव भी होगा, और आदमपुर भी जीतेगा, और आप भी जीतोगे। आज सही कहा बोलते हुए कि हर वर्ग बदलाव चाहता है, कोई ऐसा वर्ग नहीं। किसान की बात हुई किसान आंदोलन में, गरीब आदमी की बात हुई, जितनी गरीब की हितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, पानी की पीने की टंकी की टूटी की योजना थी, वजीफे की योजना थी, स्कूल के अंदर वजीफा मिलता था पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब की सरकार में वो वजीफा अदा कर दिया, मनरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई, मनरेगा का बजट अदा कर दिया, मनरेगा की पेमेंट नहीं हो रही मजदूरों को। ये हाल बीजेपी की सरकार में, गरीब त्रस्त, किसान त्रस्त, छोटा व्यापारी त्रस्त। तो आज ये बदलाव तो होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र आया, शिक्षा की मॉडल की बात आई, मैं कल देख रहा था दिल्ली में संदीप दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दिल्ली के अंदर 85% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, दिल्ली के अंदर 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जैसे कि हरियाणा के अंदर नहीं हुई 8.5 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती, एक शिक्षक की भर्ती नहीं, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया, और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की प्रिंसिपलों की जितनी कमी दिल्ली के अंदर है उतनी हरियाणा के अंदर भी ना हो शायद, और स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज करके बंद कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बंद कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और यहाँ आके उपदेश दे रहे हैं। हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल चाहिए जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, जिस सरकार में 12 सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी, जिस सरकार के अंदर 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिस सरकार के अंदर 80 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने, जिस सरकार के अंदर 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर बने, और जिस सरकार में 2500 नए स्कूल बने, और जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1,00,000 से ज्यादा केवल शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हरियाणा के अंदर भी, चाहे JBT की भर्ती हो, चाहे गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाली भर्ती हो, पिछली बार 1,00,000 से ज्यादा भर्ती करी थी। मौका मिलेगा तो हरियाणा के अंदर शिक्षा की उसी तरीके से शिक्षा की भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे, और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वजीफा था बच्चों के लिए, ऐसी वर्ग के हमारे परिवार, बैकवर्ड के परिवार, छत्तीस बिरादरी के गरीब, BPL के परिवारों के बच्चों के लिए, जो स्कूल के आगे आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए, और इसीलिए स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा था। हुड्डा साहब ने सही कहा, हिसार में उस दिन कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी उस वजीफे को ना सिर्फ हर परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन डंके की चोट पे और छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा वजीफा और देश में बड़े बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन कहीं मिलेगी तो हरियाणा के अंदर मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई, और इस लड़ाई को लोग भी स्वीकारते हैं, लोग भी इस सरकार को नकार चुके हैं, लोग बदलाव के लिए मतदान कर चुके हैं। 2019 में पिछले चुनाव में लोगों ने इस सरकार का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था, बीजेपी को 75 पार के नारे से 40 पे लेके आ गए थे, मेजोरिटी नहीं मिली थी बीजेपी को, लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया था, जिसका गवाह अगर कोई इलाका उस बात की गवाही देता है तो हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा, ये वो दो लोकसभा हैं जिसमें बीजेपी को 2/3 बहुमत से लोगों ने हराने का काम किया था। यहां 18 सीट है, 18 विधानसभा की सीट, 18 में से 2019 के विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा में जब इन्होंने कहा 75 पार, लोगों ने कहा हम इतने छिके बैठे हैं,
75 पार की फूक यहीं निकालेंगे। 18 में से 12 सीटों पर विपक्ष को जिताया, बीजेपी को केवल 6 सीट मिली, 2/3 से हरा दिया। और बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता थे सबको लोगों ने, वित्त मंत्री जी को नारनौंद में हार का मुंह देखना पड़ा, तो बीजेपी के अध्यक्ष बराला जी को टोहाना में हार का मुंह देखना पड़ा था कि नहीं पड़ा था, मैं आपसे पूछना। अगर लोग 75 पार चाहते और बीजेपी की सरकार को बढ़िया मानते तो कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष तो जीतने चाहिए थे सुभाष बराला जी। अगर वो नहीं जीतते तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने बादली से धनखड़ साहब, वो जीतते, वो भी 20,000 से बादली से लोगों ने उनको भी साफ किया, बीजेपी ने उनको बनाया। लोग बड़े दुखी थे, सारा मंत्रिमंडल लोगों ने हरा दिया, लोग बदलना चाहते थे, लेकिन जेजेपी ने विश्वासघात किया, दुष्यंत चौटाला ने विश्वासघात किया, और एक के बाद एक। ये इलाका मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां बीजेपी को 6 एमएलए मिले थे केवल, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन जब हुआ 3 महीने पहले, उस राज्यसभा इलेक्शन में सबने अपनी बीजेपी के साथ सेटिंग करी, और इस इलाके में 18 में से 16 वोट बीजेपी के एमएलओ ने जाके बीजेपी के पक्ष में डालने का काम किया। 18 में से 16, 6 थे, 6 से 10 10 बड़ा सेटिंग करके बीजेपी में चले गए। केवल 2 ईमानदारी पे खड़े रहे, कांग्रेस की 2 वोट थी, 2 अमित सिहाग हमारे भाई विधायक जो आए हुए यहाँ पे, और शीश पाल केहर वाला जो हमारे विधायक डबवाली के और कालावाली के, 2 विधायक खड़े रहे, बाकी सब एक हो गए, सारी शक्तियां एक होगी। क्यों एक हुए हमें नहीं पता, देश जानता है, दुनिया को पता है, बीजेपी जो पूरे देश में जो एमएलओ को तोड़ती है, या तो लालच से तोड़ती है, प्रलोभन देके तोड़ती है, या केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अपने केसों को सुलटवाने के लिए तोड़ती है। हमें नहीं पता दुष्यंत चौटाला क्यों गए, हमें नहीं पता अभय सिंह चौटाला क्यों राज्यसभा में वोट डाल रहे थे, हमें नहीं पता कुलदीप बिश्नोई क्यों गए, ये तो ये बताएंगे। डर से गए हैं, केसों के डर से गए थे, केसों को सुलटवाने के लिए गए हैं, या लोग लालच में गए हैं, मगर जैसे भी गए हैं, बीजेपी की जो भ्रष्टाचारी कार्यशैली है उसके दबाव में गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो बेईमान ताकते हैं, ये एक हो सकती है राज्यसभा चुनाव में, अभय चौटाला से लेकर दुष्यंत चौटाला तक आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का उम्मीदवार आ जाएगा तो ढोल नगाड़े बजाकर लाइन में खड़े होकर उनको उसके खिलाफ वोट डालने जाएंगे। यही बात है कि नहीं, यही राजनीति हो रही है, यही राजनीति हो रही है इस प्रदेश में। मिलकर बेईमान ताकतें जब एक हो सकती हैं तो आदमपुर के सारे लोग, सारे ईमानदार लोग भी प्रदेश में बदलाव लाने के लिए एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इस बात का चुनाव। सारी बेईमान ताकतें इसी कोशिश में कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, ये सारी पार्टी बीजेपी के साथ सेटिंग करके उनके कहने से टिकट देती हैं। हमने देखा है बड़ौदा उपचुनाव में भी, हमने देखा बीजेपी ने जिसको कहा उसको टिकट देने का काम किया, चाहे वो इनेलो हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में, जब आम आदमी पार्टी ने भी जो जिस तरह की जो टिकट दी है सेटिंग करके, जैसे भी बता रहे थे बाबूलाल जी, उस टिकट का एक ही मकसद था कि भाई किसी तरीके से निशाने पे बीजेपी नहीं थी, निशाने पे था कि हरियाणा में जो बदलाव होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, उसको कैसे रोको, बदलाव को कैसे रोको। आम आदमी पार्टी ने भी सेटिंग करके वही काम किया है, तो इनके साजिश और षड्यंत्र को भी, ये जो वोट काटू उम्मीदवार हमने बड़ौदा उपचुनाव में भी देखे थे, वोट काटू उम्मीदवार यहां भी आए हैं। बीजेपी का तो इलाज करना ही करना है इस चुनाव में, मगर हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो तो बीजेपी के साथ साथ इस वोट काटू उम्मीदवारों का भी साथ में इलाज करना है, मैं आपके बीच में कहना था। तो मैं आखिर में ये कहूंगा भाई, बहुत से साथी हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, अपने अपने गांव में किसी की कहीं ड्यूटी है, किसी कहीं ड्यूटी। एक बार मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज सबसे मिलना बुलाना हो गया, इसके बाद सारे हमारे विधायक, मैं सभी विधायकों से आग्रह करता हूं, सारे हमारे पूर्व विधायक और सारे वरिष्ठ नेता और सारे कार्यकर्ता जो बाहर से आए, जिनकी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई, वो जहां पे आपकी ड्यूटी है
उसी गांव में, उसी बूथ पे और उसी गांव में आपको रहना है। एक बार हाथ खड़ा करके इसका प्रस्ताव का, भाई देखो शक्ल दिखाने के लिए क्या होता है कि भाई कई आदमी की भाई शक्ल दिखा ले, राम राम, जितनी बार राम राम करोगे उतनी बार मैं नेगेटिव लिखता जाऊंगा कि भाई ये नेगेटिव आदमी है। ठीक बात है ना, क्योंकि जब उस गांव में जाए भाई, उस गांव में जिस गांव में आपकी ड्यूटी है उस गांव में आप बताओगे सर्वे कि गांव का सर्वे ये है, इस गांव में इतनी वोट से हम आगे हैं, इतनी वोट से जीतेंगे, ये सर्वे है और ये मेरी मेहनत है, वो तो है आपकी सारी राम राम। बाकी है आप, अगर बाकी जो राम राम है वो है टाटा बाय बाय, वो है शाम शाम। फिर देखो शक्ल दिखाने से काम, मेहनत से काम चले, नंबर एक। नंबर दो, मैं दूसरी बात, कोई भी साथी आए अपनी ड्यूटी लगवा ले, आपको पता होना चाहिए ड्यूटी कहाँ लगी हुई है। ऐसा नहीं हो कि भाई एक आ, जैसे आज कुछ साथी मिले, मैंने भाई ड्यूटी कहाँ लगी, कौन से गांव में है, बोला मैं तो सारे की ड्यूटी है, सारे के किसी की ड्यूटी नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी जहाँ लगे, समझदारी से इलेक्शन चलना है, समझदारी से इलेक्शन लड़ेंगे 100%, एक विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। मैंने भी चुनाव देखे हैं, जयप्रकाश जी ने देखे हैं, ये जो लोगों की लोग जबान पे बात है, भाई इस बार बदलाव होगा, इस बार तो ये जो है यहाँ से आदमपुर से इतिहास रचा जाएगा। 6 तारीख को जब टीवी चैनल के अंदर आप देखोगे तो पूरे देश के अंदर आदमपुर से यहाँ से बदलाव का पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा। लेकिन उसमें आप सबको बड़ी समझदारी से और जिम्मेदारी से, केवल जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी लगी है वहीं पे आप समय बिताएं और यहीं रहें। जिम्मेदारी तब लगवाना जब यहाँ रहना है, केवल हमसे राम राम करने खातर कोई बाहर से आके वो ना आए, मैं आज कहना चाहता हूँ भाई यहाँ रह। अब मैं एक आपसे बात करूँ, बीच में त्यौहार भी आएगा सारी चीज, एक बात बताओ भाई, हम तो यहीं रहे भाई, ये अगले दो हफ्ते अगले दोनों हफ्ते भाई यहीं रहोगे भाई, जो आज सारे अपना कोई आया पता पास जो जिनकी बाहर से ड्यूटी है, तो आपको यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं। किसी को जाना है तो आज राम राम टाटा करके जाए भाई, और हमें इलेक्शन लड़ने दे, उसका इसमें ही कंट्रीब्यूशन मान लेंगे हम। और जो आप यहीं रहोगे महिलाएं, मगर मैं जो है हमारी महिला कांग्रेस की बड़ी कार्यकर्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी कि भाई आप, क्योंकि आपका वो है, हमने देखा था बड़ौदा उपचुनाव का भी मेरा, आप हर जगह हर प्रोग्राम में आते हो, ये नहीं, आप भी ड्यूटी, आपकी भी ड्यूटी लगाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर, और अपने जो हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं जिन पर हमें बहुत गर्व है, जो हमारी हरियाणा की राजनीति में वो भी एक ऐसे जमीनी संघर्ष लगातार, जो 4 बार स्वयं विधायक रहे और जिनके परिवार ने पिछले 100 साल से वहाँ पर राजनीति, चाहे इनके पिताजी हैं वो भी विधायक रहे कई बार, और उनके जो दादाजी थे वो भी कई बार वहाँ से उन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया, और एक संघर्षशील व्यक्तित्व को कांग्रेस का हम धन्यवाद करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने इनके रूप में हमें प्रदेश का अध्यक्ष दिया। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय चौधरी उदयभान जी, वो आपके बीच में आए और वो आपको अपना संदेश दें। आदरणीय चौधरी उदयभान।